महाराजगंज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाते हुए विभिन्न संगठनों ने समाज में फैल रही कुरीतियों से बचकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के साथ ही दीन दुखियों की हर संभव मदद करने का संकल्प दिलाया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य कार्यक्रम महाराजगंज के RBGR कॉलेज में हुआ। महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। प्रमोद सिंह, बीके सिंह, दिलीप सिंह ने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने पर विशेष जोर दिया। वहीं महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र और समाज हित से जुड़े कामों में बढ़ चढ़कर भागीदार बनने का संकल्प दिलाया गया। वहीं वीर शिरोमणि सम्राट महाराणा प्रताप आदर्श शासक होने के साथ ही सच्चे समाज सेवक और गरीब मजलूमों के सबसे बड़े हितैषी थे, जिनके आदर्शों पर चलकर हर किसी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब मजलूमों की मदद करनी होगी। ATN लाइव के लिए शिवम सिंह की रिपोर्ट। तो उनको 12 से 15 हजार रुपया मिले, 12 से 15 हजार रुपया मिलेगा। मैंने 100 से ज्यादा लोगों को भेजा, अपने कैप्टन साहब को भी, इन लोगों को भी, उसमें जाते हैं, मुझे नया आदमी मिला। एक आदमी दिलीप सिंह का है और मुझे आदमी नहीं मिला। फिर जब इस तरफ देखता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी है का। अगर कोई लड़का मैट्रिक पास कर गया है, अगर उसको 12,000 रुपया मिलता है और वो काम करना नहीं, हम बताएंगे तब आप लोग जानिएगा कि महाराणा प्रताप की कौन से ऐसा नहीं है। सभी लोगों को मालूम है कि ये हम लोग उसी कुल के हैं जिस कुल के ये पोता थे और जिन्होंने ऐसा इतिहास रच के गए।